सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और गाइज, यार आपको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद भाई वीडियो आ रही है। और गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ एक ग्रेनारो S13 Pro माइक का रिव्यू। और भाई ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मत समझ लेना YouTube भाई स्पॉन्सर वीडियो है तो कॉपीराइट दे दिया जाए। नहीं भाई, नहीं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई माइक कौन सा यूज करे, और वो कैसा भी माइक खरीद लेते हैं और पैसे एकदम वेस्ट। तो आज मैं आपकी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि भाई माइक कौन सा ले और कौन सा सही है। मैंने ये वाला माइक लिया और सच में गाइज इतना कमाल का रिव्यू है इसका, क्या बताऊँ। अभी आप खुद देखना। और अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो इसी माइक की है। अब देखो, ये है ग्रेनारो का। सबसे पहले तो ये डिब्बा आपको मिलेगा, और मैंने भाई ये अमेजोन से बाय किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हो। प्राइस मैं आपको एंड में बताऊँगा। काफ़ी सस्ती प्राइस है भाई इतने क्वालिटी में। देखो प्लग, मतलब यहाँ पर जो है आपको माइक्रोफोन का भी फीचर मिल जाता है, और 30 मीटर ऑफ SSLV रिसेप्शन, यानी भाई 30 मीटर तक इसकी जो है रेंज है वहाँ तक आप वो इसकी कनेक्ट कर सकते हो। अभी वो भी आपको बताऊँगा कि भाई कितनी दूरी तक ये फिर ऐसे ही लिखे हुआ है। और यहाँ पर आता है प्रिसाइस रेडियो, यहाँ पर रेडियो का ऑप्शन है, यानी इसके अंदर सब कुछ फीचर है, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर टिम्बर है, मतलब क्वालिटी के अंदर वॉइस है। हाईली सेंसिटिव, यानी इसको आप जो है कम ज़्यादा के हिसाब से वो कर सकते हो, मतलब ज़्यादा अलग बैकग्राउंड में वॉइस आती है उसको कम से कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो उसके हिसाब से। और ये अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। इसके अंदर जो है सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये ऐसा डिब्बा निकलता है इसके अंदर, ये देखो ये वाला डिब्बा निकलता है इसको। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डिब्बा और निकलता है, ये वाला अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाला। इसके अंदर क्या निकलता है अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इस डिब्बे को हम रख देते हैं साइड में। और अब ये देखो माइक, एक माइक मैंने यूज कर रखा है और ये इस तरीके का डिब्बा है, और इस तरीके का यहाँ पर माइक निकलता है। ये देखो भाई, छोटा सा माइक है, कहीं भी आप कॉलर में छुपा सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने लगा रखा है, वॉइस भी आप सुन ही रहे होंगे। क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी मुझे ये लगा, ये वाला डिब्बा है, और इसी के अंदर चार्ज वगैरह। और यहाँ पर जो है LED डिस्प्ले है, यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो यहाँ पर LED डिस्प्ले आती है, ये ग्रेनारो का माइक है। और अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, और ये भाई टाइप सी है, और उसके लिए जो माइक्रोफोन के लिए आता है उसके लिए भी केबल है, और iPhone में भी आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो तो iPhone का भी है। ये देखो ये आ गया इसका चार्जिंग का डिब्बी का, और ये वाला iPhone वाला, और सी टाइप वाला लगा हुआ है मेरे फ़ोन के अंदर। तो भाई सब कुछ है। अब मैं आपको इसकी रेंज बता देता हूँ कि भाई ये कितनी दूर तक कनेक्ट होता है, या फिर दूर से आवाज़ कितनी बेस्ट क्वालिटी में आती है या नहीं। तो गाइज, मैंने जो है माइक अपने फ़ोन से हटा दिया है, और अभी आप आवाज़ जो सुन रहे हो प्रेजेंट टाइम वो है मेरे फ़ोन की नॉर्मल कैमरे की, मतलब नॉर्मल स्पीकर की है फ़ोन की ओनली। तो ये वाली वॉइस आप सुन रहे हो, और इसकी जो पहले वॉइस थी इसकी थी, अभी ये मैंने हटा दिया। और अभी इसके अंदर मैं बताऊँ ये वाला फ्यूचर है, देखो यहाँ पर LED, इसके अंदर भी भाई माइक के अंदर भी LED डिस्प्ले देखने को मिलती है। देखो ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो, और आराम से यहाँ पर जो है टाकने का ये इस तरीके का वो मिलता है पिन, काफ़ी बढ़िया है। और भाई इसके अंदर वजन लगभग होगा 10 ग्राम के लगभग, 10 से 15 ग्राम, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं आपको इसकी रेंज चेक करवा देता हूँ कि भाई कितनी दूरी तक हमारे पास, जितनी दूरी है वहाँ तक तो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हालाँकि 30 मीटर से तो कम है, पर देखते हैं भाई अपन को वहाँ तक चल जाए वही काफ़ी है। चलो लगाते हैं इसको वापस और देखते हैं इसकी रेंज। तो गाइस वहाँ तक मैं जाने वाला हूँ, और देखते हैं वहाँ तक कितनी बेस्ट क्वालिटी की वॉइस आ रही है। अभी तो मुझे पता नहीं चलेगा भाई बीच में कैसी आ रही है, अब मैं दूर दूर जाता हूँ वैसे ही, और आपको जो है वॉइस अभी तक सुनाई दे रही होगी आई होप। मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे, और मैं दूर तक जहाँ तक मेरे पास स्पेस है वहाँ तक मैं यहाँ तक आ गया गाइज। अभी मेरे को पता नहीं है कि वहाँ फ़ोन के अंदर आवाज़ आ रही है या नहीं। तो आई होप आपको जो है वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई। ये देखो, और भाई मैं दूरी पे गया हूँ, काफ़ी दूर है ये, लगभग आप अंदाज़ा लगाओ 30 फीट के समथिंग तो मैं चला ही गया, 30 फीट तो मान ही लो। तो ये काफ़ी है भाई, इतना कहाँ यूज़ करोगे माइक। तो अगर आपको माइक अच्छा लगा हो तो आप ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, अमेजोन से मंगाया। और हाँ इसकी प्राइस सुन लो भाई, मेरे को उस टाइम पड़ा था डिस्काउंट के साथ 1749 यानी 1749 रुपये का, इतने का ही कुछ पड़ा था, 1700-1800 रुपये का। और अभी प्राइस चेक कर लेना, आप लिंक दे दूंगा मैं कितने का है, उस हिसाब से आप मंगवा लेना, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो आई होप मेरा काम था रिव्यू बता दिया मैंने, मेरे हिसाब से भाई काफ़ी 100 में से 100% देना चाहूँगा इसको, काफ़ी अच्छा माइक है।
तो सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो के लिए एक लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।